सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं राइड विद अजय। तो आज का व्लॉग बेसिकली होने वाला है डेली डायरी का अगला व्लॉग। इसमें हम चल रहे हैं आज जंतर मंतर। सो जंतर मंतर अगेन कनॉट प्लेस में है, और जहां हम लोग गए थे पिछली बार अग्रसेन की बावली। पिछली बार बहुत कंफ्यूजन हो गई थी अग्रसेन या उग्रसेन, तो बहुत बार मैंने भी फंबल किया, हिमांशु ने भी फंबल किया, जो कि असलियत में उग्रसेन की बावली है, अग्रसेन की नहीं है। तो आज हम चल रहे हैं जंतर मंतर, अग्रसेन की बावली के बिल्कुल साथ में ही है। और अग्रसेन या उग्रसेन, फिर मैंने क्या बोला, उग्रसेन जो भी है यार, तो उसके साथ में ही है, कनॉट प्लेस में है। तो चलिए आज आपको वहां के सैर कराते हैं। और उसके साथ साथ वहां पे एक बेसिकली बहुत ही पुरानी जो घड़ी होती है, क्या कहा जाता था, सनडायल, जो कि अरे तू जा रही सन की मदद से जिसका टाइम देखा जाता था, वो सनडायल भी है वहां पे भी आपको लेके चलेंगे। और बाकी जानकारी आपको देता हूँ वहीं पहुंच करके, सारी हिस्ट्री और सब कुछ वहीं बताता हूँ। चलिए चलते हैं, आइए। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं जंतर मंतर। ये हमारे पीछे जंतर मंतर है। इसकी लोकेशन का अगर आइडिया दूंगा, वैसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गूगल मैप का, बट ये हमारे पीछे ये द पार्क होटल है, सीपी का पार्क होटल। और ये इसके साथ में ये एक बिल्डिंग है जिसमें कि गूगल का भी ऑफिस है, उसके साथ में LIC की बिल्डिंग है। तो लिंक तो मैं डाल दूंगा गूगल से, गूगल मैप का। तो ये अंदर देखते हैं, अंदर वैसे तो पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे। पहले तो क्या होता था, पहले हम लोग अंदर भी जाते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जंतर मंतर बेसिकली फेमस है भूल भुलैया के लिए। तो ये अंदर एक ऐसी भूल भुलैया थी जिसमें आप एक जगह से जा तो सकते थे बट वहां से निकल नहीं सकते आप वापस। बट काफी टाइम से इसको बंद किया हुआ है, आई डोंट नो कि अब खुला है कि नहीं। चलिए दिखाता हूँ आपको अंदर से। तो गाइस बेसिकली ये जो जंतर मंतर है, ये जयनगर और जयपुर के जो संस्थापक थे, जो बेसिकली महाराजा सवाई जयसिंह थे, सेकंड सवाई जयसिंह सेकंड, उन्होंने बेसिकली वो कहते हैं ना एस्ट्रोनॉमिक साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिक, उसके लिए 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था। खगोलीय वेधशाला बोलते हैं बेसिकली एस्ट्रोनॉमिक साइंस, उनके लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था, जिनमें से जंतर मंतर के नाम, इन्हें जंतर मंतर के नाम पे जाना जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए था जो कि खगोल विज्ञान में, एस्ट्रोनॉमी और उन सब में रुचि रखते थे। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं थोड़ा सा, अगर कुछ है इसमें। बाकी जो डिटेल्स हैं हिस्ट्री की इसकी, वो मैं फोटो क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अभी ऊपर दिखा दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारी भूल भुलैया हुआ करती थी किसी जमाने में, अभी पूरी तरह से इसको बंद किया हुआ है, हर जगह ईंटें लगा रखी हैं, कहीं से जा नहीं सकते आप। देखिए जहाँ पे बच्चे खड़े हैं इसके ऊपर नहीं जा सकते आप। क्या गुंडा बनेगा रे तू। सो गाइस ये एक बहुत ही बड़ी वाली सनडायल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे सनडायल या तो सम्राट यंत्र, यहाँ पे सम्राट यंत्र लिखा है, ये पूरी डिटेल है, इसकी फोटो खींच के हम डाल देंगे। बट ये जहां तक मुझे ध्यान है, ये एक सनडायल ही हुआ करता था बहुत बड़ा, एक छोटा आगे भी है, बट ये बहुत बड़े वाला सनडायल था जिसमें कि अभी आप देख सकते हैं सन हो रहा। तो इसकी जो परछाई पड़ती थी उसको देख करके ही टाइम का पता लगता था। हाँ ये देखिए, इस यंत्र की दीवार पृथ्वी की धुरी के समानांतर झुकी हुई थी तथा इसके दोनों ओर अर्धवृत्ताकार खंड स्थित है। इसके परछाई से बेसिकली जानकारी ली जा सकती है, घंटे डिग्री और डिग्री मिनट हर चीज की जानकारी। इंग्लिश वालों के लिए सॉरी, कबूतर ने कांड किया हुआ है, लेकिन फिर भी इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं। सर ज्यादातर चीजें यहाँ पे बंद कर रखी है, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अदरवाइज ये था जयप्रकाश यंत्र, जो कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, ये बेसिकली दिन और रात का कुछ बेसिकली साइंटिफिक इसका रीजन था, जो कि मैं इसकी डिटेल की फोटो आपको डाल देता हूँ, अभी डिटेल फोटो मैं डाल देता हूँ।
ये आप देख सकते हैं कि जो हम बता रहे थे बड़ा वाला सनडायल, इन्होंने सब बंद किया हुआ है। भाई मैं अभी हिमांशु को भी कह रहा था, मैंने कहा इनको खोल देना चाहिए, इतनी मेहनत कौन ही करेगा ऊपर चढ़ने की। वैसे कुछ सनकी होते हैं जो कर सकते हैं, फिर भी अब ये देख सकते हैं कि इसमें ये दो अलग अलग चैम्बर बनाए गए हैं, एक इधर है, एक उस साइड भी है और अंदर से सीढ़ियाँ भी हैं। बट भाई ये कि अंदर जाने को नहीं मिल रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी फ़ोटो में आप देख के जानकारी ले सकते हैं। तो गाइस ये जो चीज़ें हैं बेसिकली ये भैया बता रहे हैं कि ये 12 राशियों देखने के लिए होती थी, 6 राशियाँ इधर और 6 राशियाँ इधर, तो ये इसमें कुछ राशियों के हिसाब से ये बनाए हुए थे जिससे कि पता लगता था ये टाइम के लिए था। और जो सामने का मैं बताता हूँ, ये इंटरनेशनल टाइम देखने के लिए था, पूरा का पूरा इंटरनेशनल टाइम देखने के लिए। और ये था पूरा कैलेंडर, भैया कैलेंडर ही बता रहे थे ना, तो कैलेंडर बता रहे थे सर। चलिए आपको दिखाते हैं आगे, तो ये आप देख सकते हैं अंदर, ये पूरा का पूरा इस तरह से बना हुआ है पूरा। तो भैया बता रहे थे कि अलग अलग बेसिकली मंथ वाइज और पता नहीं क्या डे वाइज, ये पूरा का पूरा पूरे साल का इन्होंने बनाया था, कुछ ऐसा हिसाब किताब, मतलब उस सदी में भी ऐसी ऐसी चीज़ें बना करके लोग साइंस को मतलब चैलेंज किया करते थे एक तरह से। तो कैसे ये बेसिकली दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक ये आपको दूर से दिखाता हूँ थोड़ा सा, रुकिए पार्क में जाने दीजिए, लोग पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं फुल ऑन। तो ये जो है ये रेड वाला, ये है सन कैलेंडर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि ये डेट वगैरह देखने के लिए, ये सन कैलेंडर है पूरे 12 महीने का, अंदर जो वो घूम बना रखे हैं जो शेप्स वो सन कैलेंडर की है। और ये जो है ये मून कैलेंडर है, ये मून कैलेंडर के हिसाब से पूरे साल का है। सो बेसिकली जैसे कि अब छोड़िए बाकी डिटेल क्या बताऊँ, भैया ने बोला था कि वो जैसे हिंदुओं में होता है सूर्य देखा जाता है कि कब अस्त हुआ है कब क्या हुआ है, और मुस्लिम कैलेंडर्स में मून देखा जाता है, तो इसलिए दोनों की तरह के कैलेंडर बनाए गए थे, यहाँ ये भी और यहाँ ये भी, एक सूर्य कैलेंडर और एक चंद्रमा कैलेंडर, सन कैलेंडर और मून कैलेंडर। बाकी आप देख सकते हैं अंदर की शेप दोनों की सेम है, अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है, उसका रीजन यही है कि 300 साल पुराना है। और सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि सेल्फी ले लेके हर एक चीज की बैंड बजा रखी लोगों ने यहाँ पे, इस वजह से अब अंदर जाना मना है। यार वहां तो इतना मजा आया नहीं क्योंकि सब कुछ ही बंद था, तो अंदर से कुछ दिखाई नहीं पाया आप लोगों को। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग आ गए हैं जनपथ लेन, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी की पूरी मार्केट लगी हुई है जनपथ की। देखते हैं अंदर कुछ दिखाते हैं आपको, अगर कोई ढंग का मिला तो लेते हैं यहाँ से, क्योंकि वैसे ठंड आ रही है, जैकेट वैकेट आ गई है यहाँ पे, तो चलिए देखा। तो कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा जैकेट वैकेट का मार्केट शुरू हो चुका है, जैकेटें आ गई हैं, जूते आ गए हैं, भीड़ तो बहुत है अंदर। इतना ध्यान रखना यहाँ पे ना, ठगते बहुत हैं। अभी ये पीछे जैकेटें देख रहा था मैं, यहाँ पे भाई साहब मुझे कह रहे थे कि लिवाइस की जैकेट है 700 रुपए की, कह रहे 8000 की जैकेट है 700 रुपए में मैं आपको दे दूंगा, किसी हालत में नहीं वो 700 रुपए की जैकेट थी। बाकी किसी को लेना हो तो आप इधर आकर के देखिए शॉपिंग कर सकते हैं, बार्गेनिंग कीजिए, दबा के बार्गेनिंग कीजिए, आराम से रेट उतरते हैं नीचे। मैं तो ऐसे मजे लेने के लिए रुक गया था उधर, इसलिए मैंने वो कर दिया, बाकी मेरे को कुछ चाहिए नहीं। बट आप देख सकते हैं लोग सर्दियों की शॉपिंग यहाँ से शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे पैंट्स वगैरह शुरू हो चुकी हैं गाइस, जीन्स किस रेंज में है जरा पता करें।
सो गाइस ये जनपद मार्केट है, बहुत ही लंबी है, बहुत ही आगे तक है और केवल संडे को ही लगती है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर संडे को ही, क्योंकि संडे मार्केट लगती है, बाकी के दिनों पर मार्केट नहीं लगती है और बहुत आगे तक ये मार्केट है। ये अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, ये इसके बाद दूसरे सेकंड रोड पे भी जाके स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स, कपड़े और मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की, मतलब कपड़े ज़्यादा हैं लेकिन एंड है जो जहाँ तक हम लोग गए थे वहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें थी, चश्मे, घड़ी, डेकोरेटिव आइटम्स, होम डेकोर, बहुत सारी चीज़ें। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, तो फिर यहाँ पर आप आ सकते हैं अगर आपको कुछ सामान चाहिए, मतलब कपड़े वगैरह या फिर कुछ भी जैसा भी आप चाहें वो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं भैया ने भेलपुरी बनानी हमारे लिए स्टार्ट कर दी है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। झालमुड़ी डाली, नमकीन डाली, चिप्स डाल दी, मूंगफली, नमकीन मिक्सचर, भाई साहब बहुत सारी तरीके के नमकीन डाल रही हैं इसमें, भुजिया, मिर्च हल्की, हाँ को थोड़ा, हिमांशु को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिर्च डाल चुकी है, टमाटर, बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं भैया, नमक मसाला, ये बेसिकली चाट मसाला लग रहा है, इससे पहले नहीं था, जैसा बनाते बढ़िया वाला। हमारी हो चुकी है यहाँ पे चाट तैयार, अब पानी है से टेस्ट करते हैं। वैसे पहली बाइट में ही मिर्च आ रही थी, बढ़िया, नो डाउट। जितने तरीके की इसमें नमकीन है ना, मतलब मजेदार चाट है, आप देख सकते हैं। हरी मिर्च अगर अलग हटा दी जाए बाकी सब मजेदार लग रही है, जैसे देखने में टेम्पटिंग लग रही है वैसे टेम्पटिंग है भी है। तो मैं हिमांशु को कहूंगा इससे पहले कि मैं खत्म कर लूं, कैमरा बंद करो और आ जाए। तो गाइस बेसिकली जंतर मंतर का जो एंट्री है, एंट्री गेट वहां पे है सामने, हमने बाइक जो है वो यहाँ पे लगाई थी पार्किंग में, ये NDMC की यहाँ पे पार्किंग है, हमने यहाँ पे बाइक पार्किंग लगाई और यहाँ पे भाई साहब से हमने अभी झालमुड़ी खाई थी जो हमने अभी बनवाई। ओके, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे बाहर ही ये खड़े होते हैं यहाँ पे ये बर्गर और ये सब लेके, वैसे इनकी पैटीज तो मैंने टेस्ट नहीं करी है, बर्गर मैंने टेस्ट किया है, पथेटिक जिसे कहते हैं ना, पथेटिक। तो अगर किसी को 20 रुपये बर्बाद करने हैं तो वो आ सकता है यहाँ पे, वरना यहाँ भाई साहब के यहाँ पे झालमुड़ी बनवा लो ज्यादा अच्छा है। पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिल्ली डायरीज के ये सारा के सारे एपिसोड पसंद आए होंगे। हम लोगों ने प्लान करा था पहले 10 फिर 11 बट ये 12वां वीडियो है, तो हम दिल्ली डायरी को यहीं पे आराम देते हैं, दिल्ली दर्शन को यहीं पे आराम देते हैं और अब हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग बाहर के भी वीडियोस। अब हम दिल्ली के बाहर भी निकलेंगे,
कुछ खाएंगे पियेंगे कुछ वो भी डालेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे वो भी डालेंगे, और अगर कहीं और जाएंगे तो वो भी डालेंगे, क्योंकि अभी तक दिल्ली डायरी चल रही थी तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे थे कि बेसिकली रिलेटेड कंटेंट मेरा रिलेटेड टू दिल्ली डायरीज ही रहे, तो मैं दिल्ली के अंदर की ही चीजें आपको दिखा रहा था केवल। और बस अब इतना ही बोलूंगा कि जैसा प्यार दिया है दिल्ली डायरीज को वैसे ही बाकी वीडियो को भी देते रहें, लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा कि जब वीडियो शूट हो रहा था तब मैं क्लीन शेव था और आज मेरी दाढ़ी बनी हुई है। ये कोई भी नोटिस नहीं करता क्योंकि मेरे वीडियो के एंड तक कोई रुकता ही नहीं है। मुझे भी पता है कोई नहीं रुका होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एंडिंग जो है वो मैं 3 दिन या शायद 4 दिन के बाद शूट कर रहा हूं क्योंकि मैं भूल गया था एंडिंग देना, तो ये 4 दिन बाद शूट हो रही है। बट आई एम श्योर यहां तक देखने वाले 1 या 2 ही लोग होंगे सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन लव यू गाइस, बाय बाय।